अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल जो है उसके जरिए जो है वो इमरान खान साहब तक जो है वो किस तरह से कम्प्लेन को फाइल कर सकते हैं और किस तरह से जो है वो भिजवा सकते हैं, और उसके बाद जो है कम्प्लेन सबमिट करने के बाद जो है वो फर्दर प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं उसमें भी जो मैं है आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ घंटी के आइकन को भी जो है वो दबा दीजिएगा ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो है उनके नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचते रहे। इसके अलावा वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए जी आपको मैं बताता हूँ कि जो है हम पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल जो है इसके जरिए हम किस तरह से अपनी कंप्लेंट को सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए जो है सबसे पहले जो है आपको सिटीजन पोर्टल पीके के नाम से जो एप्लीकेशन है आप गूगल के प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है, वहां से आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करके इसके ऊपर जो है वो रजिस्ट्रेशन का मेथड मालूम नहीं है तो इससे जो है वो पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, हाउ टू रजिस्टर्ड ऑन पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल, तो इसके ऊपर इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसे के जरिए आप डाउनलोड किस तरह से करना है उसके बाद इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करनी है, इसका मुकम्मल मेथड मैंने इस वीडियो के अंदर बताया हुआ है। आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लेन फॉरवर्डिंग के मतलब बताऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी ये कंप्लेन फॉरवर्ड की हुई है और अभी इन प्रोग्रेस है। प्रोग्रेस करने के बाद अगर रिजॉल्व हो जाएगी तो यहाँ पर मुझे रिजॉल्व कहा जाएगा, उसके ऊपर मैं रिमार्क्स भी दे सकता हूँ, फीडबैक दे सकता हूँ। पॉजिटिव अगर मेरी रिजॉल्व ठीक हुई है तो मैं इसके ऊपर पॉजिटिव जो है वो जो है फीडबैक दे सकता हूँ। इसके अलावा मेरी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो मैं नेगेटिव फीडबैक भी इसके ऊपर जो है वो दे सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर कंप्लेन फॉरवर्ड की हुई है, इन प्रोग्रेस है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे जो है यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लेन कोड मेरा यहाँ पर मौजूद है और मैंने 19 नवंबर 2018 को जो है वो ये जो है वो सबमिट की है और आज जो है वो तकरीबन 4 डेज हो चुके हैं इस जो है वो इसको सबमिट किए हुए। और यहाँ पर देख सकते हैं कंट्री जो है वो पाकिस्तान है, पंजाब है और डिस्ट्रिक्ट जो है वो फैसलाबाद सिटी है और लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हवाले से ये मेरी कंप्लेन है जो मैंने यहाँ पर सबमिट की हुई है। ट्रैक कंप्लेन के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारी यहाँ पर वो बता रहा है कि आपकी कंप्लेन जो है वो डिप्टी कमिश्नर जो है वो डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद है उसको जो है वो फॉरवर्ड की गई है। कंप्लेन हैज बीन असाइन टू डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद और यहाँ पर इसके ऊपर रिमार्क्स दिए गए हैं, प्लीज फाइंड कंप्लेंट एंड रिजॉल्व द मैटर एज पर लॉ। ठीक है, यहाँ पर बताया गया कि आप कानून के मुताबिक जो है वो इस कंप्लेन आई है इसको जो है वो सॉल्व करें, तो ये डिप्टी कमिश्नर के पास गई है। फर्दर हम देखते हैं कि बाद में देखेंगे इसके ऊपर जो है वो क्या प्रोग्रेस होती है। अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि हमने जो लेटेस्ट जो है अगर न्यू कोई कंप्लेन फाइल करनी है तो किस तरह से करनी है। इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं एक जो है वो प्लस का आइकन मौजूद है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है पेंसिल का आइकन आ जाता है और यहाँ पर देखें लिखा साथ आगे नो कंप्लेंट, तो आपने सिंपली इसके ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर बहुत से डिपार्टमेंट्स यहाँ पर शामिल किए जिसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, लैंड रेवेन्यू है, म्युनिसिपल सर्विसेज है, लॉ एंड ऑर्डर है, ट्रांसपोर्ट है, एनर्जी है, कम्युनिकेशंस है और फर्दर जो है इसके ऊपर जो है वो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर बहुत सारी जो है वो कैटेगरी मौजूद है। अब आपने यहाँ पर देखना है कि आपका जो इशू है, जो आपकी कंप्लेन है वो किस चीज से रिलेटेड है, म्युनिसिपल सर्विसेज की या कुछ भी और फर्दर जो है वो एप्लीकेशन जो है वो जिससे भी रिलेटेड कंप्लेन है। फॉर एग्जाम्पल मेरी लैंड रेवेन्यू से मतलब है तो मैं इसके ऊपर सिंपली क्लिक करूंगा और यहाँ पर देखें मुझे फर्दर 2 ऑप्शन आ गए हैं, ट्रांसफर ऑफ लैंड से रिलेटेड है या उसके स्टाफ से मुतलका है। तो मैं अगर करता हूँ मुझे जो है वो ट्रांसफर ऑफ लैंड से रिलेटेड है तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर देखें सबसे पहले जो है तो यहाँ पर देखें सबसे पहले कैटेगरी आ रही है, आप यहाँ से कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे कौन सी जो है वो आपका इशू है। ठीक है, म्यूटेशंस का है, टेस्टेशंस का है, पोजीशन ऑफ लैंड का है, ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स है, इलीगल ट्रांसफर ऑफ लैंड है या जनरल कंप्लेन है या करप्शन से रिलेटेड है। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जनरल से रिलेटेड कर देता हूँ। यहाँ पर शिकायत की आपने जो है वो तफसील लिखनी है, डिटेल लिखनी है कंप्लेन,
जो मिनिमम जो है वो 30 करेक्टर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 1000 करेक्टर्स होने चाहिए। तो 30 से जो है 1000 करेक्टर्स के दरमियान आपने लिखनी है, और लिखने के बाद लोकेशन लिखनी है किस लोकेशन के ऊपर है। उसके बाद यहाँ पर से आपको प्रोविंस आपका जो है वो सूबा कौन सा है वो आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आ रहा है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है यानी जिला आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद तहसील आपकी कौन सी है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है वो आप कोई अगर आपके पास कोई एविडेंसरी जो कोई भी डॉक्यूमेंट्री कोई वीडियो या कोई ऑडियो किसी भी किस्म का कोई प्रूफ है तो यहाँ पर आप उसको सिलेक्ट करके चूज फाइल करके इसको अटैच कर सकते हैं। इमेज इमेज जो है वो आप मैक्सिमम 1 MB तक का रख सकते हैं। वीडियो मैक्सिमम जो आप सबमिट कर सकते हैं वो 20 MB की होनी चाहिए, इसके दरमियान होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑडियो 2 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई फाइल कोई अटैचमेंट कोई डॉक्यूमेंट्स आप फॉरवर्ड कर रहे हैं तो वो 5 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप समझते हैं कि आपकी शनाख्त जो है आपकी जो आइडेंटिटी है उसको छुपाया जाए दूसरों तक उसको जाहिर ना किया जाए, आपकी जो कंप्लेंट जिसको रिमार्क्स मार्क्स की जाएगी, फॉर एग्जाम्पली जो मेरी अभी आपने कंप्लेन देखी है जो कि डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को भेजी गई है, तो उस अगर मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर देता हूँ तो मेरी आइडेंटिटी छुपा दी जाएगी, मेरी शिनाख्त को छुपा दिया जाएगा, मुझे जाहिर जो कंप्लेन करने वाला है उसका नाम उसका कोई भी डाटा जो है वो जाहिर नहीं किया जाएगा। यहाँ पर फर्दर जो है वो मजीद जो है वो एक कॉन्टेंट नोट लिखा हुआ है कि एनी इलीगल और अब्सेंस मटीरियल अपलोडिंग विल बी क्रिमिनल प्रोसिक्यूटेड, कोई भी गैर कानूनी या गैर अखलाकी मवाद अपलोड करने पर मुजुर्माना मुकदमा चलाया जाएगा। तो आपके सामने अगर कोई आप गलत कंप्लेन करते हैं या कोई भी किसी किस्म का कोई गलत इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो इस तमाम चीजों को आपने फिलअप करने के बाद सिंपली अपने सबमिट के बटन के ऊपर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन के ऊपर प्रेस करेंगे तो आपके यहाँ पर कंप्लेन आ जाएगी और इन प्रोग्रेस में एक आ जाएगी, और फौरी तौर पर इस तरह से आपको जो है वो एक कंप्लेन नंबर मिल जाएगा जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर कंप्लेन नंबर मिला हुआ है। तो इन प्रोग्रेस होगी तो यहाँ पर आपका मुकम्मल डिटेल जो है वो आपको यहाँ पर मौजूद होगी। उसके बाद जो है वो आप फर्दर देख सकते हैं कि फर्दर जो है वो आपकी जो जितनी भी आपकी जो अपने कंप्लेन की है और फिर रिजॉल्व हुई है या नहीं हुई है, जैसे रिजॉल्व कर दी जाएगी तो यहाँ पर आपका रिजॉल्व का आ जाएगा, उसके ऊपर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, पॉजिटिव भी दे सकते हैं नेगेटिव भी दे सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है वो कंप्लेन जो है वो सेंड कर सकते हैं। तो थैंक फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।